नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, और कुवैत का तो भाई कुवैत ने तो है ना, हालांकि इतने कोई मैटर है नहीं कुवैत का, ठीक है कंट्रोल में है कोविड-19, अच्छी बात है। कर्फ्यू भी अभी शायद 18 अगस्त से नॉर्मली 20 अगस्त से ठीक हो जाएगा, 50% कर्फ्यू ओपन हो जाएगा, नए की दुकान वगैरह नॉर्मली 50% कर्फ्यू स्टार्ट हो ओपन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी समीक्षा, एक वीडियो पहले भी मैंने डाला था कि कुवैत हर 10वें दिन एक समीक्षा करेगा 31 देशों पर जो फ्लाइटों पर रोक लगा रखी है 31 देशों में, जिसमें इंडिया, एशिया के सभी कंट्रीज शामिल हैं, मिस्र, फिलिस्तान, पता नहीं कौन कौन सी 30 कंट्रियां हैं, सबको आपको मैंने वीडियो में डाला था, पहले बताया था। अभी वहां पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, कुवैत सरकार 31 कंट्रियों पे बैन लगा के कुंडली मार के बैठ गई, क्या मतलब होता है इनका। और भी कंट्री हैं, दुबई को देखिए, दुबई ने कोरोना पे काबू पाते हुए पूरा सिस्टम वर्ल्ड वाइज ओपन कर दिया, क्या वो कंट्री नहीं है? कुवैत से तो अच्छी है, वहाँ पे सब कुछ ओपन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उनको फॉलो क्यों नहीं कर सकते? ये बातें वहाँ के सिस्टम में उठाई। जी हाँ, उन्होंने ये सुझाव दिया कि 31 देशों की कितनी पॉपुलेशन है जो कुवैत आना चाहती है, यहाँ से उधर जाना चाहती है, यानी आपने बैंड बजा के रख दी, मलेशिया जैसा सिस्टम बना दिया, होटल इंडस्ट्रीज पूरी खत्म हो गई, 31 देश कम नहीं होते भाई, ठीक है, और वही सबसे ज़्यादा कुवैत में जाने वाले थे, उस पर बैन लगा दिया, क्योंकि अमेरिका के लोग तो कुवैत जाएंगे नहीं इतने ज़्यादा, या फिर कनाडा के लोग नहीं जाएंगे, यही लोग थे जो नॉर्मल कैटेगरी के हैं वही जाते हैं, उन पर रोक लगा दिया, होटल इंडस्ट्रीज की बैंड बजा के रख दी, जॉब वगैरह ख़त्म कर दिए, ठीक है, आना जाना फ्लाइटों का बंद कर दिया, यानी हर चीज में जितना नुकसान हो रहा है ना उसको ओपन करने की नहीं सोच रही कुवैत सरकार। तो कुवैत सरकार को सजेशन ये दिया गया, शॉर्ट में बोले तो, कि भाई इनको चेंज किया जाए, स्वास्थ्य के मतलब कोविड-19 को दूसरे तरीके से चेंज किया जाए, कि देखिए फ्लाइट ओपन कर दी जाए सब कंट्रियों की जो आ रहे हैं कोविड-19 की रिपोर्ट साथ में लेके नेगेटिव आए, फिर उनको 14 दिन के लिए आप क्वारंटाइन रख सकते हैं, ये नियम बना सकते हैं, क्वारंटाइन रहेंगे तो होटलों में फायदा, होटलों को फायदा होगा, होटल इंडस्ट्रीज है वो दोबारा से जीवित हो पाएगी जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। दूसरी बात, खाना आपको थोड़ी देना है, कुवैत सरकार को उनका रहने खाने का इंतजाम थोड़ी करना है, जो लोग आएंगे कुवैत में वो खर्चा खुद का लगेगा, रहने का, खाने का, जो भी उनका होटलों का चार्ज है वो तो खुद पे करेंगे ना, रिपोर्ट खुद बनाए लेके आएंगे, तो फिर कुवैत सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है, कितना कोरोना वो लेके आ जाएंगे इंडिया कुवैत में। तो उनको ये सजेशन दिया गया है कि भाई फ्लाइटें ओपन की जाएं 31 कंट्रियों में जिसका इंडिया भी शामिल है, और उनके ऊपर एक नियम बना दिया जाए भाई 96 आवर्स की रिपोर्ट साथ में लेके आएं, यहाँ पे 7 दिन या 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, खाना खर्चा आपका, यात्री आने वाला उसका रहेगा, उसके बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आप कुवैत में सामान्य रूप से जो भी आप जिस मकसद से आएँ वो काम अपना पूरा कर सकते हैं। ये कुवैत सरकार को सजेशन दिया गया है DGCA को, अभी इस पर जल्द ही फैसला आने की संभावना है, हो सकता है 2-3 दिन में यह फैसला भी आ जाए सरकार की तरफ से कि भाई हम पाबंदी हटाते हैं फ्लाइट से रिलेटेड, ताकि इंडिया के लोग भी कुवैत में जा सकें। बस ये वीडियो में आपकी जानकारी देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।